सो गुड आफ्टरनून डायमंड्स, सभी गोल्ड डायमंड क्लब्स यहाँ पे हैं। सो लास्ट ईयर का फिगर्स तो सर ने बता दिया किस तरीके से हुआ। लास्ट ईयर मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाया था उसका थोड़ा सा अपग्रेडेशन चालू है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पे ही आया है। सो मैं कैसे काम कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं एफिलिएटर्स के ऊपर काम करता हूँ और मैंने एफिलिएटर्स अपॉइंट किए हुए हैं जो मेरे ही बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। जैसे हम स्टेटस रखते हैं हमारी मोबाइल में, तो वैसे ही मैंने ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट किया है कि जो मेरे स्टेटस अपडेट करेंगे अपने मोबाइल। तो इससे क्या होता है कि उनके मोबाइल के जितने भी लोग स्टेटस देख रहे हैं तो वहाँ से इंक्वायरी जनरेट होता है। तो उसमें से हमने लास्ट ईयर LIC में भी बहुत अच्छा काम आया था, म्यूचुअल फंड्स में भी आया था और स्टार में भी हमारा काम आया उसमें। सो अराउंड अभी हमने टारगेट लिया 100 एफिलिएटर्स का, उसमें से अभी एक्टिव जो है एफिलिएटर्स वो 36 हैं। तो उसमें से अगर मुझे 6 लाख का प्रीमियम आ सकता है तो डेफिनेटली मैं जब 100 करूँगा तो डेफिनेटली ये जो टारगेट है सर वो 10 लाख का ईजिली कम्प्लीट हो सकता है। और दूसरा मैंने ये साल और ये किया है कि 10 सेल्स पार्टनर्स मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, उसमें से 2 पार्टनर्स के ऊपर काम चालू है जो अपने कॉन्टैक्ट्स में मेरे लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करेंगे और उनके साथ मैं ज्वाइंट कॉल करके वी आर डूइंग द बिजनेस। तो जो भी बिजनेस आता है उसका उनको सैलरी के हिसाब से या परसेंटेज उनके फिक्स होते हैं उसमें से देते हैं। तो सेल्स की टीम अभी हम बढ़ा रहे हैं, वो 10 सेल्स पार्टनर्स अभी ये साल का टारगेट है मेरा कि वो मेरे साथ काम करे, सो दैट वी कैन सेल ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। मतलब हेल्थ भी कर सकते, लाइफ भी कर सकते और ये भी म्यूचुअल फंड भी कर सकते। तीसरी एक स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की है अभी, खास करके जो हेल्थ चेकअप हमें अभी फ्री मिल रहे हैं, दिस वॉज अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो अभी स्टार ने लॉन्च किया है। मतलब वी आर वेटिंग फॉर दिस। अगर आप मार्केट में इसका कंपैरिजन करेंगे ना तो अभी ये प्रोडक्ट जो सर आपने दिया ना सही में वो हेल्थ इंश्योरेंस का बाप है। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो ये एक नया अभी हमको करना पड़ेगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड कर सकते, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो टिकट साइज भी वो भी बढ़ेगा अगर हम लोग इसमें शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्टिंग का एक है, दूसरा न्यू का जो हमको तकलीफ आ रहा था वो मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर ही सुपर सरप्लस देके उनका समेशन बढ़ाना है। ये 3 स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करूँगा और 10 लाख तो सर इजीली हो जाएगा, नो डाउट। मुझे मालूम है 45 डेज में उतना नहीं हुआ है, मेरे 2-3 केस कैंसिल हुए, बट डेफिनेटली आई विल अचीव दिस टारगेट। थैंक यू सो मच।